जोधपुर के इंदौर क्षेत्र में ऐतिहासिक रामतलाई जो नाड़ी है, जो एक आस्था का भी केंद्र माना जाता है, इस रामतलाई नाड़ी में आज ये अमृतम जलो अभियान के तहत जो श्रमदान चल रहा है, आप देख रहे हैं जोधपुर में अमृत जनम अभियान का आज आगाज हुआ है। ये क्षेत्र के लोग स्वेच्छा से आज के काम करने जुटे हैं और श्रमदान करके नाड़ी में कचरा गंदगी हटाई है। काफ़ी जैसे लोगों ने अभी संकल्प भी किया है कि भी उस नाड़ी को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए नियमित रूप से यह काम करेंगे और अपनी सेवाएँ देंगे। जेसीबी की सहायता से ये काफ़ी कचरा और ये जो झाड़ियाँ हैं, इस ग्राम जो बबूल जंगली झाड़ियाँ उगी थी उसको हटाया गया है और ये काफ़ी कचरा और जो ये दीवार ढकी थी उसका भी या उसके पत्थर भी यहाँ से हटाए जा चुके हैं। बीच में जो कुआं है, कुएं में से कचरा निकाल के गंदगी हटाई जा रही है। ये जो ट्रैक्टर आप देखें कचरा, इस तरह ये लोगों ने कचरा हटा के इस ट्रैक्टर को ट्रॉली में भरा है, ये कचरा हटाया है इसी नाड़ी से में ही से ही निकला है। लोगों ने एक सहयोग देके टगारिया भर भर के इस भरा कचरा बाहर उठाया है और निकाल के बाहर उड़ेला है। नाड़ी कई सालों से उपेक्षित है और एक नाड़ी में किस तरह लोगों ने यहाँ कचरा डाला है और इस नाड़ी की ये दशा हालत कर दी है। यहाँ कांच बिखरे पड़े हैं, बोतल्स, प्लास्टिक, बड़ी मात्रा में यह कचरा गंदगी फैली हुई है। इसके लिए लोग, हम लोग ही जिम्मेदार हैं कि हम हमारे जलाशयों को क्या हालत कर रहे हैं, हम जलाशयों को ऐसी स्थिति क्यों कर दी हमने। इनकी उपेक्षा की वजह से ही आज हम इस हालात में हम जल संरक्षण के लिए जुटे हैं और हमें क्षेत्र के आज कई जगह हैं जहाँ पानी एक एक बूंद को लेकर लोग तरस रहे हैं। खासकर मारवाड़ में पानी का मोल मारवाड़ से ज़्यादा लोग, यानी कि पानी का मोल मारवाड़ से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। ये देखिए जो रामतलाई में जो किस तरह जो हुआ है, उसमें कुओं में किस तरह कचरा भरा पड़ा है। इस कुओं में लोग ये आस्था के नाम पर किस जो है किस तरह कचरा भी डालते हैं उस पर, लेकिन उसकी सफाई कोई वापस करता नहीं है। धीरे धीरे ये जो कुएँ हैं, ये जलाशय हैं, आज पूरा दम इनका दम घुट रहा है। देखिए इस कुएँ का एक तरह से यूँ समझिए दम घुट चुका है। सालों से इसमें जो भी हम जो आस्था के नाम जो चीज़ें डालते हैं, उन चीज़ों से कुछ कुआ जो अट चुका है और इसमें जो पानी भी है, बरसाती पानी जो आया हुआ है, वो पूरा ऊपर तक कचरे से भरा हुआ है। जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ कचरा ही कचरा, गंदगी ही गंदगी है। यदि इस नाड़ी और इसका
जीर्णोद्वार किया जाए, नगर निगम प्रशासन JDA या इसमें बड़ा कोई इसमें बड़ा कार्य योजना बनाए, इस नाड़ी का अच्छा एक न केवल पुनर्उद्धार हो सकता है बल्कि इस नाड़ी के क्षेत्र में शहर के बीच में एक अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में भी उभर सकता है। राजस्थान पत्रिका के अमृत आंदोलन अभियान के तहत ये राम तलई नाड़ी मंडोर क्षेत्र में इस नाड़ी का आज लोगों ने नाड़ी श्रमदान करके इस नाड़ी पे एक बीड़ा उठाया है श्रमदान का, और नाड़ी की सफाई के लिए एक जो लोग जुटे हैं ये इनका लोगों का एक जज्बा भावनाएं जागी है पत्रिका के आह्वान पर अमृत आंदोलन अभियान के तहत। क्षेत्र के जो पार्षद हैं वो भी इस पार्षद ने भी इस नाड़ी की उधार के लिए अपना आह्वान किया, और पार्षद खुद चिंतित हैं। पार्षद ने बताया कि थोड़ी देर पहले कि उन्होंने इस मामले इस नाड़ी के सुधार के लिए नगर निगम की मीटिंग बोर्ड की बैठक में भी मुद्दा उठाया था, लेकिन नगर निगम ने उस बोर्ड बैठक मुद्दे को भी नज़रअंदाज कर दिया। चूँकि आज जब ये इस तरह लोगों की भावना जागी है तो अब प्रशासन भी इस कहीं ना कहीं जरूर इसमें निश्चित रूप से इसमें प्रशासन जागेगा, और प्रशासन के अफसरों की जो है उनकी आँखें खुलेगी और इस नाड़ी के लिए यदि उस सुधार के प्रयास होंगे। जो दर्शक देख रहे हैं उनको दर्शकों को बताना चाहूँगा मैं, ये जो जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में एक राम तलाई नाड़ी जो जल स्रोत है, ये पुराना जलाशय है, लोग पहले वर्षों पहले इसी जलाशय से पानी अपनी जलापूर्ति करते थे। इसी जो इस नाड़ी के जो कुआ है, इस कुएं में पंडगढ़ चलती थी, इस कुएं के पानी से ही लोग अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन जब से हमारे पास ये वैकल्पिक नहर का पानी आने लगा जोधपुर में, तो जोधपुर शहर के कितने ही जलाशय हैं जो हम उनको उनकी हम उपेक्षा कर चुके हैं, उन जलाशयों का कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना इजी सर्वसुलभ जो जल हमें मिलने लगा पाइपलाइन पानी की उसके जरिए, तो हमने इन जल स्रोतों की जो है पुराने हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं उनकी हमने उपेक्षा कर दी और उन जल स्रोतों को हमने भुला दिया। आज ये जल स्रोत इस हालात में है, आज ये जल स्रोत अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहे हैं, और जो जल स्रोत कचरे से अटे पड़े हैं, गंदगी भरी पड़ी है, लोग इस जल स्रोत में आकर देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज जो राजस्थान पत्रिका ने आह्वान किया ये अमृतम जलम अभियान के तहत, राजस्थान पत्रिका का अमृतम जलम अभियान कई सालों से राजस्थान पत्रिका एक इस अभियान के तहत जल संरक्षण, जल स्रोतों का संरक्षण और उनके उद्धार के लिए एक तरह से मुहिम चला रहा है। उसके पीछे एक मकसद है, लोगों की जन भावनाएँ जागें, और लोग जो जिन्होंने परंपरागत जल स्रोतों को भुला दिया है उन जल स्रोतों की उनका संरक्षण हो, उनका वापस पुनर्उद्धार हो, और जो हमने जल पैदा नहीं कर सकते लेकिन जल हम बचा सकते हैं, जल बचाना भी चाहिए हमें, और जल स्रोतों की जो है उनकी शुद्ध लेके हम उनका उद्धार भी करना चाहिए, क्योंकि ये जल ही जीवन है। यदि जल बचेगा तो हमारा जीवन बचेगा, और जब जल स्रोत बचेंगे तो हम बचे रहेंगे। और जल स्रोत में इस तरह यदि प्रदूषण बढ़ा और इस तरह यदि पॉलीथीन बढ़ती गई तो न केवल जल ही जीव खतरे में रहेंगे नहीं, और वरन हमारा खुद का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसी पानी से पानी को जो जीव जंतु आप जो मवेशी भी पानी इस पानी को पीते हैं, यदि इस पानी ये प्रदूषित होगा तो निश्चित रूप से इसका प्रदूषण आम जन जीवन तक पहुंचेगा। तो हमें इन जल स्रोतों को बचाना है, और जल स्रोत तभी बचेंगे जब हम लोग सभी लोग जागेंगे और हम इस तरह का जो हमारा कचरा गंदगी इन जल स्रोतों में लाकर नहीं डालेंगे। लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए कि जो हम कचरा हमारा घर का जो भी धार्मिक कार्य किसी तरह का जो विधि विधान पूजा का कचरा है वो लाके इस जल स्रोतों में इस तरह नहीं उड़ेलें। उसके लिए एक निश्चित रूप से अपनी प्रक्रिया के तहत एक कोई ऐसी जगह डाल सकते हैं जिनका वो जिससे अपना धार्मिक आस्था भी बनी रहे और कचरा भी उस तरह नहीं जल स्रोतों में नुकसान नहीं करें। यदि वो डाले थे तो उसको सफाई का भी बीड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी जो है जल स्रोत है उनकी सफाई कैसे कर सकते हैं और हमें किस तरह सफाई करनी चाहिए। नगर निगम ने किसी तरह कचरे के लिए सब जगह पूरे शहर भर में कचरा पात्र भी लगा रखे हैं। उन लोगों को ऐसे कचरा पात्र में ही कचरा निश्चित रूप से डालना चाहिए ताकि इस तरह की जो है ये
कचरा और ये जो है हमारे जल स्रोतों को नुकसान नहीं पहुँचाएं। तो आज हमें इस तरह का एक संकल्प लेना चाहिए, केवल ये ना केवल राम तलाई का मुद्दा है, जोधपुर शहर में और भी ऐसे कई तालाब नाडी हैं और जो बावड़ियाँ हैं, जो चांद बावड़ी कह लीजिए आप, तापी बावड़ी कहिए और सारे जो कितने जो झालरे हैं वो उपेक्षा के शिकार है, वहाँ भी आपको इस तरह का आलम मिलेगा। वहाँ भी सफाई, वो ऐसे जल स्रोत भी सफाई के लिए निरंतर लगातार प्रयास, बड़े प्रयासों को की ओर देख रहे हैं कि वहाँ पर भी उनको उनका उनके उद्धार के लिए बड़े प्रयास की जरूरत है। प्रशासन जब जब कभी कुछ मुद्दा उठता है, लोग जुड़ते हैं, तो प्रशासन ज़रूर इस तरह की बात करता है कि हम इन जो जल स्रोतों की सुध लेंगे, लेकिन अवसर जब समय गुजरता है तो अवसर जो अपने किए हुए वादे और अपने जो उस कार्य योजना को भी ठंडे व्यवस्था में डाल देते हैं। तो जोधपुर शहर में जो तापी बावड़ी है और जो ये चांद बावड़ी है, वहाँ भी इस तरह के कई तरह के प्रयास की जरूरत है और वहाँ भी इस तरह के जो अभियान चलने चाहिए, प्रशासन को बड़ी कोई कार्य योजना बनानी चाहिए ताकि जोधपुर के परंपरागत जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों का हम पूरे जोधपुर की जल सप्लाई और जो हम एक तरह से यूँ कह दें जोधपुर में इतना पानी है, उस पानी का हम उपयोग करके पूरे आसपास के पूरे को एक पानी का संकट जो हमारे पास कभी जब आता है सामने, जब गर्मी के समय में जो पानी का जिस तरह संकट होता है, जब क्लोजर होता है, जब नहर का पानी नहीं आता है, तब किस तरह त्राही त्राही मच जाती है, उससे भी बचा जा सकता है। हमें इन जल स्रोतों को बचाना चाहिए और उस जल का उपयोग हमें जो नदियों को रिचार्ज करने में भी किया जा सकता है। जिस तरह जोधपुर में एक यूँ कह लीजिए कि पानी पे तैर रहा है जोधपुर शहर, लेकिन उस पानी को जो भूजल अपना इतना वाटर लेवल ऊपर है इन बावड़ियों और इन पुराने जो परंपरागत जल स्रोतों की वजह से ही हमारा जो वाटर लेवल जो है जोधपुर का बहुत ऊपर है, और उस जल स्रोत कम जो वाटर लेवल ऊपर होने के बावजूद ही जिस तरह पानी एक तरह से ये जोधपुर शहर पानी पे तैर रहा है, लेकिन उस पानी का कहीं उपयोग कोई इतने संस्थान निकाय और जो संस्थाएँ हैं उन संस्थाओं ने उस पानी का कभी ढंग से उस तरीके से अभी तक कोई यूटिलाइज नहीं किया है। उस पानी को कई तरह किसी तरह रूप में लेकर कभी काम में नहीं लिया गया, इस तरह के इस पानी को किस तरह काम में लिया जाए। और ये जोधपुर को एक बड़ी जो यहाँ आसपास की नदियाँ हैं, जोजर नदी है, उस नदी को भी रिचार्ज किया जा सकता है। कई बार ऐसे टनल बनाने की कोई विस्तृत योजना बनी, IIT ने भी इसमें काम किया, यहाँ की जो कई संस्थाएं हैं और DPR उन्होंने JDA नगर निगम ने भी इस पर कई इस बारे में सोचा है, लेकिन ये सोच कभी आगे नहीं बढ़ी। और इस पर जो प्रशासन का जो है एक तरह से यूँ कहें बड़ा काम कभी इस तरह कोई हुआ नहीं है, जो सालों से जोधपुर में भूजल बढ़ने की समस्या का समाधान भी अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जल को लेकर जल जीवन है हम कहते जरूर हैं, लेकिन उसको कभी लोगों ने जीवन को मानते हुए जल बचाने या जल का उपयोग जो जिस तरह लेना चाहिए वो काम हो नहीं रहा जोधपुर में। तो ये आज एक हमारे लिए एक बड़ा सुखद दिन है कि जो हम ये अमृतम जलम अभियान कहते हैं, जो हम थोड़ा लोगों की जो भावनाएं जोधपुर में जागी है, राम तलाई का एक जरिए, ये राम तलाई जो हमारा जो मंडोर जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है मंडोर, आज वहाँ से ये शुभारम्भ हुआ है, इस ऐतिहासिक स्थल मंडोर पे एक श्रमदान का काम शुरू हुआ है अमृतम जलम अभियान के तहत। इस दिन हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम जोधपुर के जितने जलाशय हैं, जोधपुर ज़िले में कई जलाशय हैं, जोधपुर शहर के जलाशय नहीं, जोधपुर के आसपास क्षेत्रों में भी कई तरह के जलाशय हैं, जोधपुर के जो आप बनार तालाब देख लीजिए, बनार तालाब का भी जीर्णोद्वार होना चाहिए, आप गुड़ा का तालाब देख लीजिए, वहाँ गुड़ा में भी वहाँ तालाब हैं, अच्छे तालाब हैं, बिशनपुर का जो तालाब है वो भी बड़ा तालाब है। हालाँकि ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों में गाँव के लोग जो हैं बहुत जागरूक हैं, वो वहाँ गंदगी और इस तरह कचरा नहीं होने देते, लेकिन जो जहाँ पर शहरीकरण बढ़ रहा है और जहाँ शहर के आसपास जो जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों की बहुत लंबे समय से उपेक्षा होती रही, लोग खुद इसके लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा जनता ही जिम्मेदार है, क्योंकि जनता ने ही ऐसे जल स्रोतों की उपेक्षा की है, और जब जनता खुद उपेक्षित चीज़ से उपेक्षित तो प्रशासन और अफसर तो बिल्कुल इसको बिल्कुल ही बुलाए जा रहे हैं। जनता जब जागेगी तो इस तरह की जो जल स्रोतों की कभी भी इस तरह की हालात नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम जनता को ही जागना चाहिए। और मेरे साथ में सर आपका नाम क्या है? माधव सिंह गहलोत। माधव सिंह जी गहलोत हैं, मैं अभी माधव सिंह जी गहलोत से आपको रूबरू कराता हूँ, जो ये इस मंडोर क्षेत्र के समाज सेवी हैं और ये सामाजिक अच्छे वर्कर हैं, कई सालों से अच्छे कामों में जुटे रहते हैं। माधव सिंह जी बताइए, जो राम तलाई जो नाडी है इस तरह इनमें इसका जो आज आप लोगों ने बीड़ा यहाँ सब लोगों ने मिलकर उठाया है, और इस तरह इसको काम कितना आगे बढ़े रहना चाहिए, आप क्या कहेंगे इसमें? ये सबसे बढ़िया है राम तलाई, देव जूनी गेट को इस बेड़ा बनता है, और धारावर ये हमारे समाज की जोधपुर मंडोर के पूर्व की चंद्रा गांव है, पाड़ियाँ है, बासनी है, ये चिल्ला है,
सारे गांव वाले यहाँ आते हैं गैस देवजूनी गैस को बिल्कुल, और यहाँ पर वो नहाते हैं, बहन भाई बहन आती है गुड़ा लेकर भाई उसको पकड़ बाल जाता है। ये हमारे सामाजिक वो धार्मिक और सामाजिक त्यौहार है, इसमें सब लोग आते हैं, मेला बनता है बहुत बढ़िया। और इसको अभी ये जो लोग अतिक्रमण कर रखे हैं ये थोड़ा खराब हो रहा है, बाकी तो दीवार बना के फिर चंदा कर तक अगर सकते हैं, पर तो थोड़ा सा अतिक्रमण का है थोड़ा। ये हमारे कलेक्टर साहब को कह रखा हमने कि ये जो मजदूर रहते हैं नहीं एमपी वाले भी है यूपी वाले ये सारे यहाँ पर सुबह सोच जाते हैं तो वो ये खड़ा सारा गंदा पानी आता है यहाँ, तो रात को बैठ कर दारू पीते हैं वहाँ आके बोल रहे, मैं बोलूँ तो 10 दिन होते हैं फिर हमको धारे नहीं। तो ये क्या है, धरोहर राशि है, इसको अगर गवर्नमेंट सरकार अगर थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, प्रशासन को इसके लिए कुछ कदम उठाना चाहिए, चाहिए और देखना चाहिए आकर, खासकर जिला कलेक्टर को, जब आपने जिला कलेक्टर को ये सामने उनका मामला रखा तो जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन को इसके प्रति जागना चाहिए, जागना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नगर निगम भी अब ये कचरा देखो, अगर नगर निगम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार सफाई कर ले तो प्रॉब्लम नहीं हमारी। बिल्कुल नगर निगम को यहाँ सप्ताह में एक बार सफाई अभियान चलाना चाहिए, इस तरह पॉलिथीन और इस तरह कचरा गंदगी है। आज हमारी जेसीबी है प्राइवेट आई नगर निगम, अभी कहा है कि इतना बड़ा प्रोग्राम है तो नगर निगम को 2 जेसीबी लगानी चाहिए। बिल्कुल माधव सिंह जी की ये मांग है, नगर निगम को यहाँ जेसीबी भेजनी चाहिए और ये यहाँ अभी एक तरह से नगर निगम को भी काम करवाना चाहिए। नगर निगम का एक क्षेत्र का ये सीमा का क्षेत्र है और ये रामतलाई जो लोगों की धार्मिक और ऐतिहासिक और इस तरह जो है बड़ी पौराणिक जो आस्था से जुड़ा ये केंद्र है, और रामतलाई यहाँ साल में जो देवजुलूनी गर्स है वहाँ ये मेला भरता है, कई तरह की जो परंपराएं और त्यौहार होते हैं त्यौहार के दिन ये इसी जलाशय में पूजा अर्चना होती है, तो इस जलाशय के लोग को लेकर लोगों को एक तरह से जुटना चाहिए और प्रशासन को इस खास विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए। माधव सिंह जी ने बताया कि इस जो है ये जलाशय है नाड़ी है, इसके जो पीछे की तरफ जो कई एक अतिक्रमण भी है और कुछ लोग इन्होंने अस्थायी आवाज घर बना लिए और वो भी इसमें रहने लगे हैं, तो प्रशासन को उसको हटाने की कार्रवाई भी करनी चाहिए और जो ये नाड़ी अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए। नाड़ी के चारों तरफ पूरा एक दीवार बनानी चाहिए, वॉल बनानी चाहिए और इसको अच्छा सा बनाया जा सकता है। और ये मजदूरों को हटाने का प्रशासन पहले हमको आश्वासन देगा, तो ये मजदूर नहीं रहे तो फिर ये इतनी नाड़ी गंदी थी। बिल्कुल ये यही गंदगी फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। ये जो बावड़ी है वो कितने सालों पुरानी होगी, वो मैकेनिक से था जब से ये जनता बसी उस समय से ये बावड़ी है, इसके ऊपर आके दारू पीते हैं, इस पर अपन के हमारे जो मौत मौतें होती है ना हरिद्वार जाते हैं, इसको वापस ये जो भी नाले रहते हैं वो ठंडा करने के लिए बनाई हुई, तो इसमें ये दारू पीते हैं रात को। माधव सिंह जी कभी नहीं कभी ये जो बावड़ी बता रहे हैं जो इस ये कभी वर्षों सालों पहले पीने के पानी में ही काम लेते थे, बिल्कुल पनगट थी, पनगट थी जिसे छानकर पानी इसमें से आता था और बिल्कुल ये पनगट थी, तो जब ये नाड़ी भरती थी तो इस बावड़ी जो कुआ कह सकते हैं, बावड़ी कह सकते हैं, बेरा कह सकते हैं, गांव में लोग बेरा भी बोलते हैं, तो ये बेरा है, उस बेरे के से ही यहाँ के आसपास जो क्षेत्र मंगरापुरला गांव है, पहले गांव था अब आजकल शहर का हिस्सा है, तो इस गांव में को लोगों की जलापूर्ति इसी नाड़ी से ही होती थी और आज ये नाड़ी उपेक्षा की शिकार है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन प्रशासन का जो उपेक्षित रवैया जो है वो बड़ा भारी उपेक्षित रवैया है। नगर निगम ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, नगर निगम ने दिया ना कोई वो उस प्रशासक ने कलेक्टर ने कुछ ध्यान नहीं दिया। यहाँ के जो है अभी पार्षद ने भी बताया था, उन्होंने भी कहा था कि जिस तरह उन्होंने जो नगर निगम बोर्ड की जो मीटिंग में भी मुद्दा रखा था, लेकिन नगर निगम ने उस पर कोई काम नहीं एक्शन नहीं लिया, कोई काम नहीं किया। पार्षद करेगा उनको सहयोग मिले जब हो ना, किशोर जी मेहनत करते हैं पर सहयोग नहीं मिल रहा है नगर निगम से, ओजा साहब को कह रखा है, बिल्कुल कलेक्टर साहब को कई बार कह रखा है। बिल्कुल माधव सिंह जी, जो आप लोग अपनी ये जो मुहिम चलाए रखी है और जो ये इस नाड़ी के जो सुधार है उस सुधार के प्रति आप लोग सब यहाँ की जनता जागेगी और यहाँ की जनता लोग यदि काम करेंगे, हम जन सहयोग से ये बावड़ी और ये करेंगे। बिल्कुल आप लोग यदि जुटे रहेंगे तो निश्चित रूप से नाड़ी जो है नाड़ी का जो रामतले नाड़ी है इसका उधार होगा और हम पूरी टीम पत्रिका टीम आपके साथ है और इस मुहिम को हम बनाए रखेंगे और यदि जिस तरह आप लोग साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका हमें जो इस नाड़ी का जीर्णोद्वार होगा। आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बात की ठीक सर, तो ये इसका तो कल हम कर रहे हैं। बिल्कुल ये तो आपने देखा इस जैसे जो जोधपुर की जो मंडोर क्षेत्र ऐतिहासिक मंडोर क्षेत्र है और ऐतिहासिक मंडोर क्षेत्र के बीच में ऐतिहासिक धार्मिक आस्था से जो आस्था की जो नाड़ी है रामतलाई, ऐतिहासिक कह दीजिए धार्मिक आस्था का मुद्दा है या
पौराणिक जो नाडी है यहाँ बहुत सालों पुरानी ये नाडी है, जो मंगरापुरला गांव है सालों पहले गांव था, अब आज शहर का हिस्सा है और चारों तरफ ये कुछ जगह अतिक्रमण का शिकार है और चारों तरफ से गंदगी फैलाई जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो काम होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि लोग जो यहाँ लोग इस नाडी के परिसर में जो नाडी कैचमेंट एरिया उसमें बसे हुए हैं वहाँ से ये गंदगी फैलती है और गंदगी का पानी, जो गंदा पानी है वो बहकर इस नाडी में भी आता है। तो अभी जो क्षेत्र के लोगों ने और माधव सिंह जी ने और यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद ने बताया कि किस तरह यह नाडी उपेक्षा का शिकार है और यहाँ जो नाडी में सिर्फ गंदगी कचरा फैलता है और वो आज हमें जल स्रोत को उपेक्षा के रूप में सामने देखने को मिल रहा है। तो जोधपुर के जो जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों की हमें खुद आम जनता को जागना पड़ेगा और आम जनता ही जब जागेगी आम जनता ही कुछ इस जल स्रोतों को कुछ उदार कर सकते हैं और हमें इस संकल्प लेना चाहिए। जो एक शुभ दिन ये जेठ जो महीना है हमारा, इस जेठ और ये वैसाख का जो पुण्य का महीना भी बोलते हैं, जो लोग पुण्य के काम भी इस दौरान करते हैं, अधिक मास में भी लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोगों का रिवाज है और लोग धार्मिक मान्यता है बहुत ही आशा जो ज़्यादा होती है जल स्रोतों पर, गाँव के लोग जागते भी हो उसके पुण्य के काम के साथ एक श्रमदान भी करते हैं। तो लोगों से मैं आह्वान करूँगा कि जहाँ भी आपके आसपास जल कोई भी जल स्रोत हो उस जल स्रोत को साफ सुथरा बनाने के लिए आप लोग आगे जरूर आएँ और उस जल स्रोत में अपना एक आहुति दें और वो अपना एक जब यदि एक कारवा बढ़ेगा 1 से 2, 4, 5, 10, 20 और ऐसे ही हज़ारों लोग जो बढ़ते हैं तो धीरे धीरे लोग जो अपने ही जल स्रोतों की को सुधार साफ सुथरा कर देते हैं। राजस्थान पत्रिका ने कई सालों से इस जो अमृतम जलम अभियान के तहत तो एक मुहिम छेड़ रखी है, मुहिम ही एक आम जनता के लिए और जल स्रोतों को साफ सुथरा बनाने के लिए ही है, जनता के जन कल्याण के लिए ही ये काम है। तो लोगों को खुद आगे होकर इसमें आगे आना चाहिए और इसमें मुद्दे पर हमें पहल करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।